चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भूटान की ओर से डोकलाम पठार के पूर्व में चीन के एक गांव की निर्माण का संकेत देने वाली नई उपग्रह तस्वीरें सामने आई। यह क्षेत्र भारत के रणनीतिक हित के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये तस्वीरें मैक्सर कंपनी द्वारा खींची गई। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर साल 2017 में भारत और चीन की सेना के बीच 73 दिनों तक गतिरोध बना रहा था, जब चीन ने उस क्षेत्र में एक सड़क का विस्तार करने की कोशिश की थी, जिस पर भूटान ने दावा किया था। नई सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की हरकतों का खुलासा। नई सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चीन अमोचू नदी में भी दूसरा गांव बसा रहा है, जो अब करीब करीब पूरा हो गया है। वहीं चीन ने दक्षिण क्षेत्र में तीसरे गांव के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। तस्वीरों में 6 इमारतों की नींव भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई दूसरे निर्माण के लिए भी काम तेजी से चल रहा है। गाँव में हर घर के दरवाजे पर खास। अमेरिकी कंपनी मैक्सर की ओर से खींची गई तस्वीरों को एनडीटीवी ने साझा किया। मैक्सर की ओर से खींची गई तस्वीरों में गांव में हर घर के दरवाजे पर एक कार खड़ी नजर आ रही थी। हालांकि नई तस्वीरों पर सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। चीन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा बाज। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गांव के बगल में एक साफ सुथरा हर मौसम में चलने वाला कैरिजवे है, जो भूटान में भूमि हड़पने के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। ये सड़क चीन को डोकलाम पठार में एक रणनीतिक रिस तक पहुंचने में मदद प्रदान कर सकती है। आपको बता दें कि भूटान चीन के साथ करीब 400 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।